गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सब वर्नियर स्केल पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर जो हमने कल आपको पढ़ा दिया था। वर्नियर कैलिपर हमने पढ़ लिया है। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज। तो देखिए, इनके प्रोसेस लगभग लगभग सेम है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हम स्क्रू गेज पढ़ाएंगे, इनके मेजरमेंट के प्रोसेस लगभग सेम है। चलो देखिए, आज हम आपको स्क्रू गेज कराते हैं। दोनों के दोनों लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप ध्यान से देखना, इसमें हमने 12 सेंटीमीटर तक मेजर किया था, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस पर लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाई 1 mm, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ये भी देख सकते हो कि ये केवल और केवल 25 mm तक मेजर कर सकता है। कि अगर आप इसको खोलोगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर आप दो स्केल देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कितने स्केल देख पाओगे? दो स्केल है। एक तो ये सीधा लाइन में दिख रहा है, यहाँ पर जो मैंने ओपन किया है तो यहाँ एक सीधी लाइन दिख रही है, ये हमारे पास एक स्केल है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक स्केल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस स्केल के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास मेन स्केल है। क्या है ये? हमारे पास मेन स्केल। और इसके अंदर जब आप रीडिंग देखोगे तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, और मैंने जहाँ ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा हम ओपन नहीं करेंगे, अब एंड आ गया, अब इससे ज़्यादा ये नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाई 1 mm, मतलब ये 25 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, चाहे वो लेंथ हो या फिर वो डायामीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरी बात, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देखिए ये एक सर्क्यूलर है, यूँ घुमा रहे ना, ये क्या है? एक सर्क्यूलर। तो जो ये सर्किल है ना, यहाँ पर देखिए, जो ये मैं घुमा रहा हूँ, इस सर्किल पर भी एक स्केल बना हुआ है। देखिए ध्यान से, ये 0 है, 10, 20, 30 आ रहा है ना भाई, 40, 50 इस तरह से। तो इस सर्क्यूलर स्केल के ऊपर 100 लाइन है, कितने 100 डिवीज़न है, कितने डिवीज़न है? 100। जब ये एक पूरा राउंड 0 से 100 तक घूम कर आता है तो 1 mm आगे डिस्प्लेस हो जाता है या पीछे की तरफ। मेरी बात समझ आ गई? जब ये एक पूरा राउंड, जैसे कि यहाँ पर ये 0 है, मैं इसको कंप्लीट घुमा रहा हूँ यूँ, जब मैं इसको एक बार घुमा कर यूँ लेकर आऊँगा और वापस 0 पर लेकर आऊँगा, जैसे कि ये 0 आ गया, तो ये 1 mm डिस्प्लेस हो गया। इनिशियल ये 16 mm था और एक बार घुमाने के बाद 17 mm पर पहुंच गया। मेरी बात समझ आ गई? तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें 10 डिवीज़न 1 सेंटीमीटर को डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर 1 mm को डिस्प्लेस करने के लिए कितने डिवीज़न आ रहे हैं? 100 डिवीज़न आ रहे हैं। कितने डिवीज़न आ रहे हैं भाई? 100 डिवीज़न आ रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा हम इसके बारे में डीप, मैं वही बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी हमारे पास दो स्केल हैं। जैसे हमने इससे डायामीटर फाइंड आउट करना है, मैं कहता हूँ पेंसिल का डायामीटर फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करोगे? पेंसिल को इसके बीच में लगाओगे। यूँ आपने पेंसिल को इसके बीच में लगा दिया, और यहाँ से पेंसिल को वहाँ से टाइट नहीं करना है, यहाँ से पकड़ के नहीं करना है, यहाँ से देखिए, अब ये लॉक लगाएगा, आवाज़ आई, आ गई, बस इससे ज़्यादा नहीं घुमाना। अगर हम यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो और भी ज़्यादा घुमा सकते हैं और इसको पिचका भी सकते हैं, ये पेंसिल पिचक भी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से पावर लगाएंगे, यहाँ से लॉक लग जाएगा और ये एक्सटेंड पावर नहीं, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगाएगा। यहाँ पर इसका लॉक हो गया, अब हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है। समझ आ गया? जब हम रीडिंग चेक करेंगे तो ये हमारे पास मेन स्केल है, यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, ये हमें 5 दिख रहा है, 5 यहाँ तक है, 6, 7, 8 8 नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होगी। क्या होगी? ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग, जैसे कि कल हमने वर्नियर स्केल रीडिंग और ये सब हमने पढ़ा था। तो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता ही देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो स्क्रू के अंदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि यहाँ पर एक तो मेन स्केल होता है, एक हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है भाई। मेन स्केल ये लीनियर होता है, जो एक लेंथ वाइज आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? लेंथ वाइज। अब इसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि ये सर्कुलर जो स्केल है, इसको हम हेड स्केल भी बोलते हैं। हेड स्केल जो मेन स्केल है उसको लीनियर स्केल बोलते हैं, जो सर्कुलर स्केल है उसको क्या बोल देते हैं? हेड स्केल बोल देते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूले पहले पड़े थे ना, उनमें कोई चेंज नहीं है। जब आप रीडिंग की बात करते हो तो जो आपकी रीडिंग आएगी, रीडिंग के लिए क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू, एन का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, जो आपने कल पढ़ा था। ये हमारा तरीका है। तो सबसे पहली बात तो हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो हमारे पास क्या है भाई? मेन स्केल रीडिंग। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे थे भाई, एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था? डायामीटर ऑफ पेंसिल। क्या कहा है हमने? डायामीटर ऑफ पेंसिल, ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपने इस डायामीटर में यहाँ चेक किया, हम आपने ये बताया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 mm है ना, तो आप क्या लिखोगे भाई? 8 mm को क्या लिखोगे भाई? 0.8 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे भाई? 0.8 सेंटीमीटर। भाई मिलीमीटर है ना, तो उसके सेंटीमीटर बना दिया हमने। दूसरी बात आती है एन। व्हाट इज एन? एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ डिवीजन। तो एक बात ध्यान से देखिए, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये सर्कुलर स्केल कहीं ना कहीं इस लीनियर स्केल के साथ मैच कर रहा होगा, जिसको हमने बहुत अच्छे से देखना है भाई। ये 10 है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये 20 है। बट इन दोनों इन इनके ऊपर हम अच्छे से देखें तो मेरे को लग रहा है, मैं इसको बहुत अच्छे से देख कर बताता हूँ कि ये 18 पर है। कहाँ पर है? ये जो मेन स्केल की सीधी लाइन है, ये सर्कुलर स्केल के 18th डिवीजन पर मैच कर रही है। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया? 18। अब बात आती है लीस्ट काउंट की। अब बात किसकी आती है? लीस्ट काउंट। तो भाई लीस्ट काउंट के लिए तो कल भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको मैं बता देता हूँ। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। भाई कल वर्नियर पढ़ा था, तो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन थे? 10। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के अंदर कितने डिवीजन? नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। यहाँ तक समझ आ गया भाई? तो सर्कुलर स्केल के अंदर कितने डिवीजन है वो बताने हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई? जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल क्या है आपके पास? 1 mm है, 1 mm का एक डिवीजन है। और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितने हैं? 100 है। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर 100 डिवीजन है। आप क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल राउंड डिस्प्लेस 1 mm ऑफ लीनियर स्केल। अगर हम 100 डिवीजन को सर्कुलर में यूँ घुमा दें तो 1 mm ये लीनियर स्केल को डिस्प्लेस कर देगा। और लीस्ट काउंट निकालने का तो वही तरीका है जो हमने कल भी पढ़ा था। तो हम क्या कह देंगे भाई? 1 mm है तो हम क्या कह देंगे भाई? हमारा लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.01 mm हो गया। और इसके सेंटीमीटर के अंदर लिखना है तो क्या लिख देंगे? 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई 1 mm है तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज के लिए, वो क्या हो जाता है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01। अब एक बात समझ आ गई। क्या समझ आई? कि जो कल हमने वर्नियर पढ़ा था, वर्नियर 2 decimal तक मेजर करता है, स्क्रू गेज 3 decimal तक मेजर करता है। इसलिए ये
वर्नियर स्केल से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा डेसिमल तक मेजर करेगा उसकी वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। अब लीस्ट काउंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो रीडिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है भाई। अगर आप रीडिंग की वैल्यू लिखते हो तो 0.8 सेंटीमीटर प्लस एन कितना था हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 0.001। तो हम क्या कर देंगे भाई, 0.8 प्लस 0.018, क्लियर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डायमीटर ऑफ पेंसिल आएगा तो उस डायमीटर को डी से लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू 0.818 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। तो ये हमने इसकी रीडिंग फाइंड आउट की है, जो कि आंसर कितने डेसिमल तक आ रहा है, 3 डेसिमल तक। दूसरी बात, यहाँ पर भी जीरो एरर और जीरो करेक्शन होता है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम जीरो एरर और जीरो करेक्शन पढ़ते हैं तो जो स्केल हमने बनाया हुआ है, जिस स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन के बारे में क्या बताया था कि भाई अगर ये इस जीरो के साथ मैच ना करे, इसी तरह से सेम बात है। मैं इसको ओपन करता हूँ, बंद करता हूँ यहाँ से, जैसे ये बंद होगा यहाँ पर लॉक लगने की आवाज़ आएगी, आवाज़ आई। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्केल की जीरो हमारे इस सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ मैच करनी चाहिए, मेन स्केल की जीरो सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ मैच करनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मेन स्केल की जीरो फॉरवर्ड है, मतलब इसके अंदर तो जीरो एरर है, जीरो करेक्शन करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो कल आपने पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर पढ़ा था वर्नियर स्केल के अंदर, शायद हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो हमने क्या बताया था कि पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब होता है कि वो पहले से ही एडवांस के अंदर है, जो कल हमने डायग्राम से आपको समझाया भी था। मैं आपको एक बार फिर दोबारा से पेज लेकर समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने जीरो एरर बताया था, तो पॉजिटिव एरर में क्या बताया था कि अगर हमारा वर्नियर स्केल जीरो से राइट साइड में हो, सेम वही बात है यहाँ पर भी, अगर हमारा जो मेन स्केल जो है और जो यहाँ सर्कुलर जो स्केल है वो उसके राइट साइड में हो, सिंपल सा मतलब है कि हमें ये जीरो नज़र आना चाहिए, समझ आ गया। और इस केस में जो नेगेटिव एरर है उसमें अगर ये और भी ज़्यादा आगे चला जाए और जीरो अंदर मेन स्केल का जीरो हमें नज़र ही ना आए और ये जीरो जीरो की लाइन मैच ही ना करे, मैच ना करे, तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा। सेम वही बात है, मैं आपको यहाँ एक डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने कहा ये हमारा जो है ना ये मेन स्केल की रीडिंग है, यहाँ पर ये जीरो वाली लाइन है, ये मेन स्केल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना एक स्केल बनाया, ठीक है। मैंने कहा कि भाई एक तो जीरो यहाँ है हमारा सर्कुलर स्केल का, 1, 2, 3, 4, 5, 10, और इस तरह ये पूरा सर्कुलर स्केल है, समझ आ गया होगा ये कैसा स्केल है, सर्कुलर स्केल है, ऐसे है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारा जीरो यहाँ है, ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये हमें नज़र आ गया इसके अंदर। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये मान लीजिए हमारा मेन स्केल है, ठीक है। अब जीरो हमारा यहाँ है मेन स्केल का और हम देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ है, यहाँ 90 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 95 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, या फिर 1, 2 है इस तरह आगे है। अब इन दोनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें तो पहले ही एडवांस में ये आगे चला
और इसमें क्या है, इसमें यहाँ जीरो पहले ही है, अब जब आप खोलोगे उसके बाद आपको जीरो नज़र आएगा, तो मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव जीरो एरर हो गया। और निकालने का तरीका वही है, जीरो एरर निकालने का तरीका जो पिछले इसमें निकाल के दिखाया था आपको, कि जो भी रीडिंग आपको नज़र आ रही है वो रीडिंग लिखिए, फिर उसके बाद प्लस एन, और फिर आप देखिए स्केल के अंदर कौन सा मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर 90 मैच कर रहा है, उस उधर 5 मैच कर रहा था, इस तरह से उनकी वैल्यू पुट करिए और उसके बाद जीरो एरर निकालिए। सेम प्रोसेस है, और कुछ नहीं करना है। तो स्क्रू गेज के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊँगा, क्योंकि स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल दोनों लेंथ मेजरमेंट के सेम प्रोसेस के टाइप हैं, सेम एज इट इज टाइप हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वर्नियर और स्क्रू गेज करा दिया एरर में, और एरर लगभग कंप्लीट हो गया है। आज मैं एक नई यूनिट शुरू कर रहा हूँ, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें चैप्टर तो क्या है कि हम वेक्टर से शुरुआत करते हैं। वैसे तो अगर हम अगला चैप्टर देखेंगे तो हमारा काइनेमेटिक्स आएगा, पर काइनेमेटिक्स से पहले मैं हमेशा आपको सभी बच्चों को वेक्टर पढ़ाता हूँ। वेक्टर से शुरुआत करेंगे हम, ये हमारा नया टॉपिक होगा, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊँगा।